ओके, एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 120 डेज, बी अलोन कैन डू द वर्क इन 180 डेज, देन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर विल फिनिश दिस वर्क। तो सबसे पहले कैरेक्टर लिख लो जो क्वेश्चन में है। ए प्लस बी है एक कैरेक्टर, बी प्लस सी है एंड बी है। ए और बी कितने दिन में करते हैं? 60 में। बी एंड सी 120 डेज में करते हैं एंड बी अकेला इसको 180 डेज में करते हैं। अब इन सब का टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपली बस इसका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका 18, जो कि हो जाएगा 18 × 360 यानी कि 360। ओके, टोटल वर्क हम लोग का 360 है। अब टोटल वर्क 360 है, ए प्लस बी उसको ए और बी मिलके 60 डेज में कम्प्लीट कर देते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 6 यूनिट काम करते हैं। सेम इसी 360 टोटल वर्क है, ये 120 डेज में लगाते हैं करने में, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। सेम चीज़ इसके साथ 2 यूनिट का काम हो जा रहा है। अब गौर करिए, बी का हम लोग को इंडिविजुअल कैपेसिटी निकल गया। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। ओके, अगर बी 2 यूनिट काम करता है और बी प्लस सी 3 यूनिट काम करते हैं, यानी कि सी कितने यूनिट काम कर रहे हैं यहाँ पर? 1 यूनिट का काम कर रहे हैं। ओके, सी हम लोग का इधर 1 यूनिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखिए, अगर ए प्लस बी 6 यूनिट का काम करते हैं दिन में, अगर ए और बी अकेला 2 यूनिट कर रहा है, यानी कि ए कितने यूनिट का काम कर रहे हैं? 4 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का इंडिविजुअल हम लोग का निकल गया, यानी कि ए एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। ओके, आपका यहाँ पर सी कितना करता है? 1 यूनिट का काम करता है। ओके, एंड बी कितना करता है? 2 यूनिट का काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन बोला है, ए और सी अगर दोनों मिल के करें इस काम को तो कितना दिन में करेंगे? तो ये दोनों मिल के कितना यूनिट का काम करते हैं एक दिन में? 5 यूनिट का काम करते हैं। और कितना काम हम लोग का है? 360 है, यानी कि डिवाइड कर देना होगा, यानी कि 72 डेज में ए और सी इसको मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम इसका एक डाउट वाला वीडियो भी इसको बना देंगे। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।